देखिए, आज के पाठ में हम सीखेंगे कि इजाफत क्या होती है, इजाफत किसे कहते हैं। देखिए, जब दो शब्दों को मिलाया जाता है, यानी उनका आपस में कोई संबंध होता है, जैसे मील का पत्थर, आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की जंग, बारिश का पानी, तो इसे फारसी में अगर इसे हम करें तो इसमें पहले वाला शब्द जो है वो बाद में आ जाता है। जैसे मील का पत्थर, मील पहले है हिंदी में और पत्थर बाद में है। लेकिन इसमें क्या होगा, फारसी में जब हम इसे बनाएंगे तो मील तो बाद में आ जाएगा और पत्थर के लिए पहले आ जाएगा, पत्थर के लिए, जैसे मील का पत्थर। अब फारसी में मील के लिए मील ही है, मील फारसी का ही शब्द है, और पत्थर के लिए शब्द है संग, संग माने पत्थर और मील। अब हमने इसका क्रम तो बदल दिया, हिंदी में जो क्रम था उसका हमने उल्टा कर दिया। जैसे हिंदी में मील था पहले और बाद में पत्थर था, तो हमने इसमें पत्थर के लिए पहले शब्द रखा संग और बाद में रखा मील। अब इसमें जैसे हिंदी में था का था, ये का तो यहाँ से गायब हो गया। अब इसके लिए हमने ये किया कि संग में आखिरी अक्षर है गाफ, तो गाफ के नीचे हमने एक जेर लगा दिया, तो अब इसका संग का तलफ्फुज़ हो गया, संग का प्रोनंसिएशन हो गया, या संग का उच्चारण हो गया, संगे 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 मील। हिंदी में हम आमतौर पे इस तरह लिखते हैं, संग डैश ए डैश मील, संगे मील, यानी मील का पत्थर। इसी तरह देखिए, जंगे आज़ादी, अब आज़ादी बाद में है और जंग पहले आ गया। अब जंग का आखिरी अक्षर है गाफ, गाफ के नीचे हमने एक ये जेर लगा दिया, तो ये हो गया जंग आज़ादी, यानी आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम। महफिले यारा, महफिले यारा, यारों की महफिल, यानी यारा बाद में आया और महफिल पहले आएगा। महफिल का आखिरी अक्षर है लाम, लाम के नीचे देखिए ये महफिल का आखिरी अक्षर है लाम, लाम के नीचे जेर लगा दिया हमने, लाम के नीचे ये जेर लगा हुआ है, महफिले यारा, महफिले यारा, लाम के नीचे जेर लगा हुआ है, महफिले यारा, यानी यारों की महफिल, यानी दोस्तों की महफिल। इसी तरह है आबे बारा, आबे बारा, आब माने पानी, बारा माने बारिश, तो बारिश बाद में आया है और आब पहले आ गया, आब के नीचे जेर लगा दिया, तो ये हो गया आबे, आबे बारा, बारिश का पानी। इसी तरह है मौसमे सरमा, सरमा माने सर्दियाँ, जाड़े का मौसम, तो मौसम मौसम ही, फारसी में भी मौसम ही रहता है। मौसम सरमा, मौसम का आखिरी अक्षर है मीम, मीम के नीचे हमने जेर लगा दिया, मीम के नीचे ये हमने जेर लगा दिया, तो ये हो गया मौसम सरमा, यानी जाड़े का मौसम। अब चश्मे नम, चश्म माने आँख, नम माने भीगी गीली भीगी हुई आँख, चश्म का आखिरी अक्षर है मीम, चश्म, चश्म का आखिरी अक्षर है मीम, तो मीम के नीचे हमने जेर लगा दिया, तो ये होगा चश्मे नम, चश्मे नम, यानी भीगी हुई आँख। फिर है बारे गम, बारे गम, बार माने बोझ, गम माने गम, जैसे हम हिंदी में भी कहते हैं गम, बारे गम, तो बार का आखिरी अक्षर है रे, रे के नीचे हमने ये जेर लगा दिया, ये हो गया बारे गम, यानी दुख का बोझ, गम का बोझ। फिर देखिए नारे जहन्नम, नारे जहन्नम, नार माने आग, जहन्नम माने नरक, यानी नरक की आग, नार माने आग, तो
नार का आखिरी अक्षर है रे, रे के नीचे हमने जेर लगा दिया, नारे जहन्नम, नरक की आग। तो इस तरह जब दो शब्दों को जोड़ने के लिए जब हम जहाँ जेर लगाते हैं तो इसी को हम कहते हैं इजाफत, इसी को हम इजाफत कहते हैं। यही इजाफत है और यही इसका काम है।